सबसे बड़ी खबर निकल कर रही टेलीकॉम इंडस्ट्री की, जहां पे डिलॉयट इंडिया ने दोस्तों एक बड़ा दोस्तों रिसर्च सामने लाया। उनकी एक बड़ी दोस्तों रिसर्च निकल के उन्होंने यहां पे बात की है कि यहां पे जो टेलीकॉम कंपनीज थी जो टेरिफाइक करने की प्लानिंग में थी, अब फिलहाल टेरिफाइक कुछ महीनों तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। यस, आपने सही सुना दोस्तों, एक गुड न्यूज है कि टेरिफाइक फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके पीछे के क्या कारण है, क्या जियोफोन नेक्स्ट से कंपनियां डर चुकी है, क्या दोस्तों पूरा कारण है, उसकी पड़ताल करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर फिलहाल हालत खराब है। पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो दोस्तों ऑलमोस्ट कर्ज में डूबा हुआ है। 1.8 लाख करोड़ ऑलमोस्ट पौने 2 लाख करोड़ का कर्ज दोस्तों AGR का पूरे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर है। इसलिए हालत खराब है। खास करके दो कंपनियां वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल, इसे अच्छा खासा पैसा चुकाना है। दोनों ही कंपनी दोस्तों फिलहाल यहां पे जियो को छोड़ के दोनों ही कंपनी दोस्तों फिलहाल यहां पे अपने प्लान्स में ट्विक्स यहां पे कर रही है। ऑलमोस्ट 60% तक का हाइक कुछ कुछ प्लान्स में इन्होंने चेंज किया है, क्योंकि दोनों ही कंपनी को दोस्तों अपना ARPU 200 से 300 रुपए तक लेके जाना। बीच में दोस्तों बातें चल रही थी कि दोनों ही कंपनी अपने प्लान्स में 50-60% तक का सभी प्लान में हाइक कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक रिपोर्ट निकल के आई है और यहां पे ये दावा कि फिलहाल कंपनियां छोटे मोटे चेंजेस तो करेगी फिर से, लेकिन बड़े लेवल पे सारे के सारे प्लान्स महंगे यहां पे नहीं करेगी। दोस्तों क्या है पूरी की पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बिग टैरिफ शिफ्ट्स अनलाइकली इन शॉर्ट रन्स एज टेलकोस फोकस ऑन मार्केट शेयर गेन। फिलहाल दोस्तों कंपनियां बड़ा टेरिफाइक यहां पे करने के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि कंपनियां फिलहाल अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है, सब्सक्राइबर अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती है। डेलॉइट इंडिया का दोस्तों ये स्टेटमेंट निकल गया, टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर लाइकली टू कंटिन्यू विद द माइनर ट्विक्स इन मोबाइल प्लान्स बट मे अवॉइड सिग्निफिकेंट हाइक इन ब्रॉडर टैरिफ्स इन शॉर्ट रन। कुछ महीनों तक तो दोस्तों बड़ा टेरिफाइक आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस कंपनियां यहां पे करती रहेगी, ऐसी बात करिए। एज दे प्रायोरिटाइज मार्केट शेयर गेन्स अमिड ऑनगोइंग सेक्टरल चैलेंजेस। फिलहाल दोस्तों सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसमें जियो बहुत बड़ा दोस्तों चुनौती यहां पे देता है। इसलिए दोस्तों फिलहाल कंपनियां अपने टेरिफाइक को रोकेगी, छोटे मोटे ट्विक्स करेगी, बड़े लेवल पर टेरिफाइक नहीं करेगी। डेलॉइट इंडिया का दोस्तों यहां पे स्टेटमेंट निकल गया। पार्टनर इन टेलीकॉम सेक्टर दोस्तों लीडर पीयूष वायस है दोस्तों, उन्होंने PTI को यहाँ पे बताया कि फिलहाल कंपनियां जो हैं यहाँ पे टेरिफाइक करने के मूड में नहीं है। प्रैक्टिकली दोस्तों देखा जाए सच एज ब्रॉडबैंड एज वेल एज 5G आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत सारी चीजें इनको करनी है कंपनियों को, तो यहाँ पे कंपनियां फिलहाल अपने टेरिफ को हाइक नहीं करेगी। टिल नाउ द ऑपरेटर्स वेयर रोल आउट प्रोडक्ट्स दैट वेयर ऑन साइज वन साइज फिट्स ऑल। अभी तक कंपनियां दोस्तों एक ही प्रोडक्ट लाती थी जो सभी के लिए फिक्स होता था, लेकिन अब दोस्तों कंपनियां जो है 6-8 महीने से कुछ अलग अलग प्रीमियम प्लान भी लेके आ रही, प्रीमियम कस्टमर के लिए, जो कस्टमर जो है पैसा चुका सकते हैं, अच्छा पैसा दे सकते हैं, तो उनके लिए प्रीमियम सर्विसेज लेके आ रही, एड ऑन चीजें लेके आ रही, उनसे थोड़ा ज्यादा कमाने की कोशिश करेगी। लेकिन सभी को यहाँ पे हाइक कर देगी ऐसा कंपनियां नहीं छोड़ेगी, छोटे मोटे ट्विक्स यहाँ पे करेगी कंपनियां। और यहाँ पे कंपनियां दोस्तों यहाँ पे सेगमेंटेड अलग अलग प्लान लॉन्च करेगी। हु कैन पे मोर फॉर एड ऑन कन्वीनियंस सर्विसेज, जो ज्यादा पे कर सकते हैं उनके एड ऑन सर्विसेज अलग अलग दी जाएगी कंपनियां, कुछ ऐसा करेगी, सारे के सारे प्लान्स को हाइक कर देगी ऐसा फिलहाल कंपनियां नहीं सोच रही है। एज अ रिजल्ट्स व्हाइल सम मार्जिनल ट्विक्स इन टैरिफ मे हैपन इन स्पेसिफिक पॉकेट्स, कुछ कुछ पॉकेट्स में कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ आपको यहां पे हाइक देखने को मिलेंगे कुछ कुछ प्लान्स के अंदर स्पेसिफिक, ठीक है। और यहाँ पे ब्रॉडर टेरिफाइक जो होगा फिलहाल शॉर्ट रन के अंदर नहीं होने वाला, बड़े लेवल पे जो टेरिफाइक की बात चली थी 40-50-60% तक हाइक हो जाएगा सारे प्लान्स, वो फिलहाल कंपनियां यहाँ पे नहीं कर रही। और उन्होंने क्लियर कर दिया कि कंपनियां जो है ये सब करने से उनके ARPU में कुछ ज़्यादा फर्क तो आने वाला नहीं, लेकिन वो अपना जो बेस है सब्सक्राइबर जो है दोस्तों उसको बढ़ाने की प्लानिंग में ये बात चली, खास करके एयरटेल और VI जैसी कंपनी के लिए, क्योंकि जियो को तो दोस्तों ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे उसके पास और उसका ARPU भी ठीक ठाक यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे चलता है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि जो इस रिपोर्ट में नहीं है वो रिपोर्ट दोस्तों ये है कि फिलहाल कंपनियां एक चीज से और डर रही है, अगर फिलहाल अगर टेरिफाइक कर दिया तो उनको सब्सक्राइबर तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, उनकी हालत तो खराब होगी। लेकिन दूसरी चीज वो इसलिए डर रही है क्योंकि जियो फोन नेक्स्ट आने वाला है, अगले महीने से जियो फोन नेक्स्ट की दोस्तों बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत चीप रेट में दोस्तों जियो उसको प्लानिंग कर रहा है, $50 से $70 के आसपास, यानी 3,000 से 3,500 के बीच में दोस्तों आपके फोन देखने को मिल सकता है। 4G स्मार्टफोन आपको मिलेगा, टच स्क्रीन फोन मिलेगा, डबल कैमराज मिलने वाले हैं, अच्छा प्रोसेसर मिलेगा, एंड्रॉइड का मजा मिलेगा आपको, गूगल का विश्वास मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेगी, प्लस जियो के बंडल ऑफर मिलेंगे। इतने सस्ते रेट में अगर जियो अपने जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च कर देता तो इन कंपनियों की हालत खराब होगी, क्योंकि इन दोनों ही कंपनी के SBI और एयरटेल के पास
2G सब्सक्राइबर दोस्तों करोड़ों में है। अगर वो सब्सक्राइबर दोस्तों जियो के इस सस्ते फोन की तरफ आकर्षित हो गए तो यहाँ पे इन कंपनियों की हालत खराब हो सकती है। इसलिए फिलहाल कंपनियां टेरिफाई तो नहीं कर रही है, लेकिन कुछ प्लान दोस्तों यहाँ पे टेरिफाई करेगी। हालांकि कंपनियां दोस्तों DOT की तरफ यहाँ पे गई है, DOT को बोला भी है कि आप यहाँ पे फ्लोर प्राइस लेके आ जाओ। वो ट्राई करेगी कन्विंस करने की कोशिश करेगी DOT को कि वो फ्लोर प्राइस मार्केट में ला दे, क्योंकि फ्लोर प्राइस अगर आ जाता है तो जियो एयरटेल VI सभी को एक फिक्स रेट यहाँ पे रखना पड़ेगा। वो उससे महंगा दे सकेंगे, सस्ता नहीं दे सकेंगे। और यहाँ पे कुछ मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि DOT थोड़ा पार्शली कन्विंस भी हो चुका है फ्लोर प्राइस के लिए, और अगर फ्लोर प्राइस आ जाता है तो कंपनियां बिंदास, क्योंकि सरकार का कानून है तो उससे ऊपर तो कुछ नहीं। सरकार के एक कानून बना देगी, उसके हिसाब से कंपनियों को अच्छा खासा 200 प्रॉफिट होगा। प्लान आपका 2 से 3 गुना महंगा तो हो जाएगा, लेकिन कंपनी का ARPU 200 से 250 रुपये जाने की यहाँ पे गुंजाइश है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें कंपनी के खुद के दम पे टेरिफाइक करना, कंपनियां फिलहाल 200 बड़ा मेजर टेरिफाइक नहीं करने वाली, छोटा मोटा ट्विक्स यहाँ पे चलता रहेगा। लेकिन जियो फोन 200 कड़ी टक्कर इन कंपनियों को देने वाला, जिसके हिसाब से फिलहाल कंपनियां यहां पे टेरिफाई करने से बच रही है। आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टेरिफाई होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? और आप मुझे बताइए क्या फ्लोर प्राइस आना चाहिए, क्योंकि वो आ गया तो हालत खराब होने वाली है हम सबकी। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है ना, इसको जरूर दबा देना। इसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल अपलोड करूंगा सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, प्लीज़ उसको जरूर दबा देना फ्रेंड्स। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों फेसबुक पे, तो लाइक शेयर के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।